एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शालिनी राज एंड करेंटली आई एम एमबीबीएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एट महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सेवाग्राम। सो आप लोग में से काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कि आपको पीडब्ल्यू का यकीन 2.0 बैच ज्वाइन करना चाहिए या फिर संकल्प भारत का न्यूट्रॉन बैच ज्वाइन करना चाहिए। हालांकि ये दोनों बैच जो है वो ड्रॉपर स्टूडेंट के लिए है जो नीट 2024 का एग्ज़ाम देंगे। सो ड्रॉपर्स जो है उनको काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन आ रही है कि इनमें से कौन सा बैच ज्वाइन करें। हालांकि दोनों अफोर्डेबल है, दोनों के प्राइस उतने ज़्यादा हाई नहीं है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में 3-4 पॉइंट्स ऐसे बताऊँगी सो दैट आप ये सोच सको कि आपको कौन सा बैच ज्वाइन करना चाहिए। यकीन 2.0 का बात करें तो इसमें जो टीचर्स हैं उनको सब लोग जानते हैं, लाइक बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अमित महाजन सर हो गए, पंकज सर हो गए, इमार सर हो गए, इन सबसे मैंने खुद भी पढ़ रखा है। सो फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए तो आपको सोचना ही नहीं है। यकीन 2.0 का जो बैच है वो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों के मामले में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वहीं अगर संकल्प भारत का न्यूट्रॉन बैच के बारे में बात करें तो यहाँ पे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए जो टीचर्स हैं वो ठीक है, बट अगर यकीन 2.0 के कंपैरिजन में बात करेंगे तो मुझे यकीन 2.0 को मैं 5 पॉइंट दूंगी एंड इसको 4 पॉइंट दूंगी। एंड इसके अलावा बायो के टीचर्स की बात करें तो बायो के टीचर्स के मामले में आपको पता है कि न्यूट्रॉन बैच में जो है तरुण सर और MD सर पढ़ा रहे हैं बायो, तो ये सबको पता है कि वो दोनों बायो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने खुद भी पढ़ा है उनसे जब वो यकीन में पढ़ाते थे। चेंजेस बस यही पे है कि आपको अगर बायो पढ़ना है तो आप न्यूट्रॉन बैच की तरफ जा सकते हो, अगर आपका बायो वीक है तो आप न्यूट्रॉन बैच की तरफ जा सकते हो, वरना अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करना है इस बार, एंड होता भी यही है, बहुत सारे ड्रॉपर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फिजिक्स केमिस्ट्री में ही आती है, तो इस तरह आप देखोगे तो आपको यकीन 2.0 ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि वहाँ की जो फैकल्टी है फिजिक्स केमिस्ट्री की वो काफ़ी ज़्यादा सही है। और जहाँ तक बायो की बात है ना, तो बायो खुद से भी लोग कर लेते हैं एंड ड्रॉपर स्टूडेंट है तो बायो बहुत हद तक उनका हो गया रहता है, बट फिर भी अगर आप बायो को भी बहुत अच्छे तरीके से करना चाहते होंगे तो अगर आप यकीन 2.0 भी ज्वाइन करोगे फिर भी आपको तरुण सर और MD सर के बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, क्योंकि जो यकीन बैच होता है उसमें एक बैच के साथ साथ और भी बैच साथ में दे देते हैं, या फिर आप YouTube पे भी उनके लेक्चर्स देख सकते हो, उनके सारे चैप्टर्स के सारे लेक्चर्स पढ़े हुए हैं YouTube पे। सो ये उतना बड़ा मैटर नहीं है बायो हो जाता है, बट मैटर आता है फिजिक्स केमिस्ट्री पे, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री को बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो इस मामले में आप यकीन 2.0 पे ज़्यादा रिलाई कर सकते हो। हालांकि आप खुद सोच लेना, देख लेना, अगर आप ये खुद पे भी डिपेंड करता है कि आप किस हद तक किस टीचर से ज़्यादा अच्छे तरीके से समझते हो। अगर आपको सर्वेश सर से ज़्यादा केमिस्ट्री अच्छी लगती हो तो आप फिर न्यूट्रॉन बैच की तरफ जा सकते हो, लेकिन अगर कंपैरिजन करें तो टीचर्स के मामले में या फिर फैसिलिटीज़ जो बच्चों को प्रोवाइड की जाती है उस मामले में मुझे यकीन 2.0 ज़्यादा सही लगता है, क्योंकि यकीन का जो बैच है उसमें मैंने खुद भी पढ़ाई की है, सारी जो चीज़ें वहाँ पर प्रोवाइड की जाती है, जो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है वो पहले के मुकाबले में और ज़्यादा बेहतर हो गई है एंड बहुत सारे फीचर्स ने ऐड किए जा रहे हैं एंड वो पहले से एस्टैब्लिश्ड है, 2-3 साल से चलता आ रहा है वो बैच। एंड ये जो न्यूट्रॉन बैच है वो नया अभी जस्ट वो ओपन हुआ है, न्यूट्रॉन बैच अभी हाल फिलहाल में शुरू हुआ है। सो उस पर रिलाई ना करके आप यकीन 2.0 पे ज़्यादा रिलाई कर सकते हो, क्योंकि वो पहले से चलता आ रहा है एंड उसमें सारी चीज़ें सारी फैसिलिटीज़ पहले से और बेहतर की जा रही है, जो पहले दी जाती थी उससे भी ज़्यादा बेहतर की जा रही है, बच्चों से फीडबैक ली जाती होगी कि कैसे और क्या करना चाहिए, जबकि न्यूट्रॉन बैच अभी जस्ट खुला हुआ है तो इसमें सारी चीज़ों को उतने हद तक अच्छे करने में कुछ समय लग जाएगा। सो इस मामले में देखें तो आप यकीन 2.0 पे ज़्यादा रिलाई कर सकते हो, यकीन 2.0 की तरफ जा सकते हो। बाकी आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप किससे सेटिस्फाइड हो, आपको कौन सा बैच ज़्यादा सही लग रहा है। मैंने अपना खुद का बताया एंड मुझे जो 3-4 लॉजिकल चीज़ें लग रही थी जिससे कि आपको यकीन 2.0 ज्वाइन करना चाहिए वो मैंने आपको बताया। अब बाकी मैं ये नहीं बोल रही कि न्यूट्रॉन बैच खराब है, आप ये नहीं ले सकते हो, आप इसकी तरफ भी जा सकते हो, आप इससे भी अपनी नीट की प्रिपरेशन कर सकते हो। जो चीज़ें अच्छी है मैंने, मतलब जो चीज़ें आपको प्लस पॉइंट की तरफ दिखा रही है यकीन 2.0 का, वो मैंने आपको यहाँ पे बताया। सो इसके अलावा आप कुछ भी डाउट मुझसे पूछना चाहते होंगे तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा एंड मैं आपके डाउट्स की रिप्लाई, सारे बच्चों के डाउट्स की रिप्लाई मैं ज़रूर देती हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।